एक छोटा सा नवजात बच्चा जो है वो अभी NICU में लेटा हुआ है और उसने ना जब माँ के पेट में था तो पेट में लैटरिन चली गई थी, तो उसकी वजह से उसको निमोनिया हो गया था। तो उस टाइम फिर मैं बेबी को लेके आई तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास से, फिर उसको थोड़ी 2 दिन मशीन पे रखना पड़ा, सांस की मशीन पे। उसके बाद अभी इम्प्रूव किया है तो अभी दूध लेना उसका शुरू हुआ है बेबी का, तो अभी ट्यूब से दूध दे रहे हैं। तो 2 दिन तक इसको मशीन पे रखने के बाद मैंने फिर इसको, हमसे ज़्यादा भाग्यशाली कौन होगा जो मेरे वार्ड में आज हॉस्पिटल खुला है। हम तो अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली मानते हैं, और स्कूल स्वास्थ्य केंद्र खुलना ये तो अपने वार्ड के लिए बहुत अच्छा माने जाता है। और मुझे लगता है प्रशिक्षण के स्तर पे जो हाईएस्ट लेवल होता है DM का, वो डॉक्टर यहाँ पर हैं, डॉक्टर प्रियरंजन हैं, डॉक्टर प्राची हैं, तो अपने आप में बहुत ही अच्छी सुविधा है। भी इतना बड़ा डॉक्टर जो पूरे बिहार में अभी तक नहीं था, एक पटना में था और दूसरा बेगूसराय में है, इसलिए उनको धन्यवाद। कामना है कि हॉस्पिटल अच्छे ढंग से चले। इस वीडियो के सह प्रायोजक है डॉक्टर शिवांगी, स्त्री रोग विशेषज्ञ। तो आज ही आए सोमाया मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, जहां हो स्त्री संबंधित एवं बांझपन का बेहतर इलाज। हमारा पता है डॉक्टर सुशील कुमार क्लिनिक, स्टेशन रोड, बेगूसराय। हमारे बीच मौजूद है मटियानी के विधायक राजकुमार जी, आइए इनसे जानते हैं। आज रिवर वैली हॉस्पिटल के शुभारंभ में आए हुए हैं, हॉस्पिटल में क्या देखने को मिला है, क्या बेहतर सुविधा मिलेगी बेगूसराय जिला वासियों को, आइए इनसे जानते हैं। क्या सबसे पहली बात, तो बहुत सारे हॉस्पिटल खुल रहे हैं लेकिन ये अपने आप में एक अपने तरह का एक नायाब हॉस्पिटल खुला है। उत्तर बिहार में पहला है जिसको हम लोग नीसु के यानी नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट है, ये बच्चों के लिए जो इंटेंसिव केयर यूनिट होता है यहाँ पे है, और उसके सारी सुविधाएं यहाँ पर हैं, जो प्री मैच्योर बेबीज़ पैदा होती हैं उनके लिए और टर्म बेबीज सभी के लिए यहाँ पे सारी सुविधा है। और डॉक्टर यहाँ पे काफ़ी प्रशिक्षित, और मुझे लगता है प्रशिक्षण के स्तर पे जो हाईएस्ट लेवल होता है DM का, वो डॉक्टर यहाँ पर हैं, डॉक्टर प्रियरंजन हैं, डॉक्टर प्राची हैं, तो अपने आप में बहुत ही अच्छी सुविधा है ये, और बहुत ही रीजनेबल रेट पे ये इलाज करते हैं लोगों का। स्क्रीन पर देख रहे हैं एक छोटा सा नवजात बच्चा जो है वो अभी NICU में लेटा हुआ है, और वहाँ देख सकते हैं छोटे बच्चे जो है अभी किस तरह से। हमारे बीच डॉक्टर प्राची जी हैं, अभी अभी शुभारंभ हुआ इनका अस्पताल पे। मैडम, जो बच्चा अभी लेटा हुआ है उसको क्या प्रॉब्लम है? उसने ना अपने पेट में, जब माँ के पेट में था तो पेट में लैटरिन चली गई थी, तो उसकी वजह से उसको निमोनिया हो गया था। तो उस टाइम फिर मैं बेबी को लेके आई गायनेकोलॉजिस्ट के पास से, डॉक्टर एकता मैम के पास से, फिर उसको थोड़ी 2 दिन मशीन पे रखना पड़ा, सांस की मशीन पे। उसके बाद अभी इम्प्रूव किया है तो अभी दूध लेना उसका शुरू हुआ है बेबी का, तो अभी ट्यूब से दूध दे रहे हैं। तो 2 दिन तक इसको मशीन पे रखने के बाद मैंने फिर इसको उतारा है अभी। तो ये आपके देखरेख में हो रहा है? हाँ। ये बेगूसराय में पहली बार ये जो NICU खुला है? नहीं, NICU बहुत सारे हैं, पर इस तरह का NICU जो हाई एंड टेक्नोलॉजी के साथ स्टार्ट हुआ है ऐसा मुझे लगता है कि उत्तर बिहार में, तो पटना में 1 साल काम कर चुके हैं महावीर वात्सल्य में, पटना में भी हाई एंड इस तरह के NICU कम हैं, 1-2 हैं। और ये इसमें स्पेशल ये है कि ये प्रीटर्म बेबी के वो स्पेशली केटर करता है, जन्म से पूर्व पैदा हुए बच्चे उसका अलग NICU है, जो टाइम पे, जैसे बच्चे टाइम पे हुआ था तो इसको इस वाले NICU में रखा गया है, और लेस देन 1 kg 1 किलो से कम के बच्चों के लिए अलग इंतज़ाम किया गया है, उनकी अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके लिए अलग वेंटिलेटर आते हैं, जो बड़े पूरे समय वाले बच्चों के लिए अलग वेंटिलेटर्स हैं। तो इस तरह की सुविधा डिज़ाइन करके यहाँ पर लिया गया है। अस्पताल में मेनली न्यूनेटल केयर, जो कि नवजात शिशु जो लगभग 1 month के बेबी को केयर किया जाता है, उनका इलाज किया जाता है, वैसे भी बच्चे जो समय से पूर्व जन्म ले लेते हैं और उनके लिए स्पेशल सुविधा यहाँ पे है। और इसके अलावा कार्डियोलॉजी का भी फैसिलिटी यहाँ पे है, हार्ट से रिलेटेड संबंधी जो बीमारी होती है, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, सारा सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है।
ये बेगूसराय नहीं, ये इस टाइप का NICU न्यूनेटल ICU अभी पटना में भी नहीं है, पटना के बाहर तो ये फर्स्ट है और इवन पटना के में भी इस टाइप का न्यूनेटल ICU अभी नहीं है यहाँ पे। इसलिए कि किसी को हार्ट में कोई दर्द हो, सांस में दिक्कत हो, तो इमीडिएटली किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके एटलीस्ट ECG कराना चाहिए। ECG में जनरली पता चल जाता है कभी, या फिर और उसके अलावा और कुछ अगर ज़रूरत होता है टेस्ट की तो ब्लड टेस्ट ये सब लोग सजेस्ट करते हैं, उससे बीमारी पता किया जाता है। रिवर वैली अस्पताल खुला है तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक तो बहुत नया ढंग का सभी चीज़ नया लगा हुआ है, और बच्चे के लिए भी, हार्ट के लिए मुख्य रूप से, और डॉक्टर बताए हमको आने से कि बहुत बढ़िया सब चीज़। तो हम भी कह के हम तो आईबे करेंगे, लेकिन लेट हो गया थोड़ा। मेरा शुभकामना है कि हॉस्पिटल अच्छे ढंग से चले और लोगों का इलाज बड़े सही ढंग से हो, कि जैसे हम लोग भागते थे पटना फल्ला चिल्ला, बेगूसराय तो हमारा एक मिनी, बेगूसराय छोड़ के अब पटना जाने की कोई दिक्कत नहीं। हॉस्पिटल में आज उद्घाटन है, उसमें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हमसे ज़्यादा भाग्यशाली कौन होगा जो मेरे वार्ड में आज हॉस्पिटल खुला है। हम तो अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली मानते हैं, और स्कूल स्वास्थ्य केंद्र खुलना यह तो अपने वार्ड के लिए बहुत अच्छा माने जाता है। और अभी जो ये हॉस्पिटल खुला है, इसके लिए हम सर रिवर वैली के सर जो हैं हमारे आर्यन सिंह, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। क्लिनिक खुलवाए हैं जिससे गरीब गुरबा और जो भी तबका के लोग हैं उनको सुख सुविधा मिले, और लोकल बगल में खुला है तो इससे अच्छा भाग्यशाली हम क्या समझेंगे जो मेरे वार्ड में ये क्लिनिक खुला है। बहुत अच्छा लग रहा है। The Bombay Fashion, इस ईद और समर फैशन का एक उमार, तो चलिए स्टाइल नहीं आपकी शॉपिंग होगी खास हमारी दिलचस्प कलेक्शन के साथ पूरे परिवार के लिए। The Bombay Fashion, डाक बंगलो रोड, बॉम्बे ड्रेसेस, मेन रोड, बेगूसराय। आइए इनसे जानते हैं, हमारे बीच मौजूद है डिप्टी मेयर यानी नगर निगम के उप मेयर जी अनिता जी, इनसे जानते हैं आज रिवर वैली हॉस्पिटल में क्या क्या देखने को सुविधा मिला है और इस हॉस्पिटल से क्या बेगूसराय जिलावासियों को लाभ मिलेगा। जरूर मिलेगा। सबसे पहले तो मैं प्राची जी के माता पिता को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि माँ के बाद अगर दूसरा स्थान किन्हीं का है तो गुरु का होता है, तो उनके पिताजी ने वो स्थान अपना लिया है और अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके जो है डॉक्टर बनाए, वो भी इतना बड़ा डॉक्टर जो पूरे बिहार में अभी तक नहीं था, एक पटना में था और दूसरा बेगूसराय में है, इसलिए उनको धन्यवाद देते हैं और प्राची जी को भी धन्यवाद देते हैं, शुभकामना देते हैं कि उन्होंने पढ़ लिख कर, ऐसे तो बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो दिल्ली चले जाते हैं, पटना चले जाते हैं, बम्बई चले जाते हैं, विदेश भी चले जाते हैं, लेकिन प्राची जी ने बेगूसराय को चयन किया कि बेगूसराय धरती की मैं बेटी हूँ और बेगूसराय में ही ये बच्चों का इलाज करूँगी, ये सबसे अच्छी इनकी सोच है, इसलिए ढेर सारी मैं उनको शुभकामना देती हूँ।